वर्गीकरण में हेडिंग करेंगे अंकों का वर्गीकरण, अंकों का क्या वर्गीकरण हो गया। नियम नंबर एक, नियम से पढ़िए समझ में भी आएगा। नियम नंबर क्या एक लिखेंगे, अंकों के योगफल पर आधारित, अंकों के योगफल पर आधारित हेडिंग कर लीजिएगा, अंकों के योगफल पर आधारित, अंकों के योगफल पर। जैसे पहला सवाल लिखेंगे 4025, दूसरा आपको 7502, तीसरा आपको 6203, चौथा आपका 5061, 5061 बताना है सबसे ऊपर कौन। हाँ नियम था बाबू अंकों के जोड़ पर आधारित, किसके जोड़ पर अंकों का, तो इधर देखिए सबको जोड़ दीजिए, देखिए 5 2 5 2 7 4 मतलब इसको जोड़ने पर 11 आ रहा है, इसको देखिए 7 2 9 9 2 इसको भी जोड़ने पर 11 आ रहा है, देखिए 6 2 8 3 इसको भी जोड़ने पर 11 आ रहा है, लेकिन इसको देखिए 5 6 11 1 12 आ रहा है, तो सबसे अलग 5061 नंबर कौन सा सही रहा। दूसरा सवाल लिखेंगे 6958 कामा 7947, तीसरा विकल्प 6895, चौथा 9783, बताना है सबसे अलग कौन। संतानवे सौ तिरासी, देखिए पहले वाले को जोड़िए 28, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को 28, लेकिन चौथे वाले को 27, वही उत्तर है। तीसरा सवाल लिखेंगे 976, दूसरा ऑप्शन 788, 778 है, तीसरा ऑप्शन 895 और चौथा ऑप्शन 997, 997 कितना। हाँ देखिए पहला ऑप्शन को जोड़िए, दूसरे को जोड़िए, तीसरे को जोड़िए, लेकिन चौथे को जोड़िए 25 आ गए, सबसे अलग कौन होगा 997। चौथा सवाल लिखेंगे, चौथा लिखेंगे बाबू लिखेंगे 7760, दूसरा ऑप्शन 6761, 6761, तीसरा ऑप्शन 5656, 5656, चौथा ऑप्शन 1919। छप्पन छप्पन हो गया, इसको जोड़ेंगे तो 12 आएगा, कितना आएगा 12 आएगा, 22 आएगा, 22 आएगा, सबको जोड़ने पर 20 आएगा, देख लीजिएगा इसको जोड़ेंगे 20 आएगा, इसको भी जोड़ेंगे 20 आएगा, लेकिन इसको जोड़ेंगे 22 आएगा, सही रहा कोई दिक्कत। नियम नंबर दूसरा लिख लीजिएगा, अंकों का आपसी संबंध, अंकों का आपसी संबंध, दूसरा नियम है अंकों का आपसी संबंध। जैसे पहला ऑप्शन लिखेंगे 5894, दूसरा ऑप्शन 5976, तीसरा ऑप्शन 3791, चौथा ऑप्शन 4875, 4875 यही है, देखिए अपना
एक सीखिए, देखिए ये है नियम जो है अंकों का आपसी संबंध। इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। देखिए इधर हम पहला दूसरका को जोड़ सकते हैं, या पहला तीसरका को जोड़ सकते हैं, या घटा सकते हैं, या गुणा कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ आपस में ही जोड़ना घटाना गुणा भाग करना है इन्हीं अंकों में से। इधर देखिए, देखिए इधर देखिए, देखिए 8 5 9 4 13, इधर देखिए इधर 9 5 7 6 13, तो देखिए इनको जोड़ने पर 14 आया, इनको जोड़ने पर देखिए 7 3 9 1 8 4 7 5 12, लेकिन एगो को जोड़ने पर बराबर बराबर नहीं आया। कौन सा विकल्प को आंसर आ जाएगा, 5900 कितना 56, 5900 76। सही रहा। अगला सवाल लिखेंगे 6378, दूसरा ऑप्शन बाबू 3245, तीसरा ऑप्शन 4367, और चौथा ऑप्शन बाबू 7789। 7700 कितना 89, यही है। चलिए मिलाइए अपना, नहीं आया। हाँ इधर देखिए एकाएक को छोड़ छोड़ के हम जोड़ रहे हैं, जैसे देखिए 3 4 7, 5 2, देखिए 6 4 10, 3 7 10, देखिए 7 8 15, 6 9 15, इधर देखिए 6 7 13, और 8 3, क्या बराबर आया, यही आंसर है। फिर से क्या क्या अगला बनाइए, लिखेंगे 13458, दूसरा ऑप्शन 13678, अगला 13565, और अगला है 13791, 13791, यही। इधर व्हाइट बोर्ड पर इधर देखिए, दिमाग लगाइए, इधर देखिए यदि हम 13 का गुणा 7 में करते हैं तो देखिए 13 7, यदि हम 13 का गुणा 5 में करते हैं तो 13 5, यदि हम 13 का गुणा 6 में करते हैं तो 13 6, यदि हम 13 का गुणा 4 में करेंगे तो 13 चौके 58, 52 ना, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर कौन सा पहला। अगला सवाल लिखेंगे बाबू 527, दूसरा ऑप्शन 235, तीसरा ऑप्शन 639, चौथा ऑप्शन 357, 357। सही है। इधर देखिए शुरू का 2 को अंक जोड़िए, जैसे देखिए देखिए 5 2 7 2 3 5 6 3 9, लेकिन 3 5 8 9 का 7 होगा, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर कौन सा। अगला सवाल लिखेंगे बाबू 945, 945, 743, 635, 635, अगला 853, सही रहा।
इधर देखें, इन दोनों को घटाएंगे ना तो ये आएगा, 9 में से 4 जाएगा 5, इन दोनों को घटाएंगे ये आएगा, क्या 6 में से 3 घटाएंगे तो 5 आएगा, सबसे अलग यही। अगला सवाल लिखेंगे, 101, 212, 111 और 326, 326। ऑप्शन नंबर कौन सा? हाँ कैसे, इधर देखिए, इधर देखिए, इन दोनों को गुणा करिए, 3 दुना के 6, इन दोनों को गुणा करिए, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 2 का गुणा 1 में करिए 2, लेकिन 1 का गुणा 0 में करेंगे तो 1 आएगा, 0 आएगा, यही आंसर सही रहा। नियम नंबर तीसरा हेडिंग रहेगा, विभाजिता पर आधारित प्रश्न, विभाजिता पर आधारित प्रश्न। विभाजिता पर आधारित प्रश्न किस पर आधारित है? विभाजिता मतलब कट कट के आएगा, ठीक है। लिखेंगे पहला सवाल, लिखेंगे बाबू 725, दूसरा ऑप्शन 632, तीसरा ऑप्शन 840 और चौथा ऑप्शन 475। इधर देखिए, इसमें 3 एक जैसे रहेंगे, चौथा बिल्कुल क्या होगा, अलग होगा, इसका उत्तर होगा 632। क्यों? क्योंकि सब कट जाएंगे 5 से, लेकिन 632 कटेगा, यही आंसर सही रहा। अगला सवाल लिखेंगे, 341, 810, 405, 342। उत्तर आएगा 341, क्योंकि देखिए इधर ये किसी से नहीं कटेगा, हाँ 11 से कटेगा, किससे? 11 से, ठीक है, सब कट जा रहा है, देखिए ये 3 से कट रहा है क्या, हाँ ये देखिए ये 3 से कट रहा है, कट रहा, ये देखिए 3 से कट रहा है, क्या ये 3 से कटेगा? नहीं, तो इसी को लगाएं, 300 कितना 41। अगला सवाल लिखेंगे, 25, 25, 7, 9, 3, 1, 25, 7, 9, 3, 1, दूसरा ऑप्शन 27, 64, 71, 27, 64, 71, तीसरा ऑप्शन 26, 53, 91, 26, 53, 91 और चौथा ऑप्शन 25, 66, 71, 25, 66, 71। अब ध्यान दीजिए, जब ना ज्यादा ऑप्शन में अंक आने लगे तो सबको जोड़ देते हैं, इन सबको जोड़िए, तो सबको जोड़िए, कितना आ रहा है? 27 आया, बोलिए इन सबको जोड़िए, हाँ 30 आएगा, इन सबको जोड़िए, हाँ 26 है, इन सबको जोड़िए, हाँ 27 है, सही रहा। ये सही है, ये बताइए अब कौन सबसे अलग दिख रहा है?
सही रहा। अगला सवाल लिखेंगे, 89, दूसरा ऑप्शन 83, तीसरा ऑप्शन 99 और चौथा ऑप्शन 97। चौथा ऑप्शन 97, 99 ना? देखिए 99 कट जाएगा, बाकी कोई अंक नहीं कटेगा। सही रहा। अगला लिखेंगे, लिखेंगे 41, दूसरा ऑप्शन 97, तीसरा ऑप्शन 63 और चौथा ऑप्शन 59। क्या होगा? 63, क्योंकि 63 कट जाएगा, बाकी सब कटेगा नहीं कटेगा। अगला सवाल लिखेंगे, 126, दूसरा ऑप्शन 215, तीसरा ऑप्शन 342 और चौथा ऑप्शन 511। 511, 511, 511 नहीं, आंसर होगा 100 कितना, 26। देखिए 511 कब सही है, एकदम नॉर्मल सोचेंगे तब, लेकिन कंपटीशन में वैसे नहीं सोचा जाता है, कुछ लॉजिक के आधार पर सोचा जाता है। इधर देखिए 126 जो है 5 का क्यूब प्लस 1 है, ये देखिए ये 6 का क्यूब माइनस 1 है, ये देखिए 7 का क्यूब माइनस 1 है और ये 8 का क्यूब माइनस 1 है, सब घट रहा है लेकिन ये जुट रहा है। आंसर होगा 100 कितना, 26। जैसे ये भी सही है कि सब सम है और ये क्या है, विषम है, लेकिन हाँ नॉर्मल सोच वालों के लिए, लेकिन कंपटीशन में बाबू ये सही नहीं देगा, देगा कौन सा ऑप्शन। अगला सवाल लिखेंगे, 2345, अगला लिखेंगे 2300 कितना, 45, दूसरा ऑप्शन 1234, तीसरा ऑप्शन 4567, चौथा ऑप्शन 7896, 7896 यही है। अठहत्तर सौ कितना, चलिए इधर देखिए, हाँ मिलाइए अपना इधर बाबू, इधर इसमें देखिए अंक लगातार है, देखिए 2 3 4 5, 1 2 3 4 सही है, इसमें देखिए 4 5 6 7, इसमें देखिए 7 8 9, 9 के बाद सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा। अगला सवाल देखेंगे, 8356, दूसरा ऑप्शन 3245, तीसरा ऑप्शन 4231, चौथा ऑप्शन 7699, 7699। जैसे आप लोग अपना सोच के लगाए करिए, अभी ना कि दूसर बता दस तो सही है बात। हम आपको बताएं ना कि जीवन में बस खुद पे भरोसा होना चाहिए, दूसरे पे नहीं, जो दूसरे पर भरोसा करेगा ना वो पछताएगा, चला बस ये बात ख्याल कर लीजिएगा। इधर व्हाइट बोर्ड पर इधर देखा बाबू, इन्हें देखा, देखा 2 3 4 5, 1 2 3 4, देखा 6 7 8 9 है, इसमें देखा 3 के बाद 4 होना चाहिए, गायब है, आंसर हो गया 8356। हम बोले ना कि दूसर के ऊपर भरोसा ना करे चाहिए, अब वो बोल दी है ताक रे क्या दादा, सखी कैसे लगा ले लो। अगला सवाल
लिखेंगे 399, दूसरा ऑप्शन 469, तीसरा ऑप्शन 448, चौथा ऑप्शन 497, 497 यही है। चलिए सभी अंकों को जोड़िए, देखिए इसको जोड़िए 21, इस सबको जोड़िए 19, इस सबको जोड़िए 16, इस सबको जोड़िए 20, इसमें कौन सबसे अब अलग होगा? हाँ, क्योंकि यह अभाज्य है ना, यही आंसर। सही रहा। अगला सवाल भाग लिखेंगे 6,612, दूसरा ऑप्शन 5,521, तीसरा ऑप्शन 4,046, चौथा ऑप्शन 7,543। इसमें बताना है सबसे अलग कौन। चला जाए, समझा दी ना। इधर देखो बाबू, तो के पता हो बाबू कि जोन 6 का क्यूब होला वो 216, और 216 को ही उलाट देंगे तो हाई बन जाएगा। देखिए नहीं बनेगा। अब देखिए 5 का क्यूब 125, उलाट देंगे तो ये बन जाएगा। 4 का क्यूब उलाट देंगे तो ये बनेगा, लेकिन 7 का क्यूब को उलाटेंगे तो 543 बनेगा। 7 का क्यूब 343 होता है ना, तो 3 4 3 आएगा। सबसे अलग है ऑप्शन नंबर कौन सा। अगला बाबू देखेंगे 140 माइनस 45, 140 माइनस कितना 45, दूसरा ऑप्शन 100 माइनस 30, तीसरा ऑप्शन 80 माइनस 25, 80 माइनस 25, और चौथा ऑप्शन 110 माइनस 35, 110 माइनस 35 यही है। चलिए सीख लीजिए आप लोग इधर व्हाइट बोर्ड पर। इधर इधर देखें, यदि हम इसमें 3 से गुणा कर दें, किससे गुणा कर दें 3 से, तो देखिए 135 आएगा, और 135 में 5 जोड़ देंगे तो 100 कितना हो जाए 40 हो जाए। इधर देखें, यदि हम 3 से गुणा करके 5 जोड़ दें तो देखिए 25 दिए 75, 5 80। इधर देखिए 3 से गुणा करके 5 जोड़ दें तो 35 दिए 105 होता है, 105 में 5 जोड़ देंगे तो 110। यदि हम इसमें 3 से गुणा करके 5 जोड़ दें तो 30 दिए 95, लेकिन लिखा है क्या 100। सबसे अलग ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला। और धीरे धीरे बताएं सही है। अगला सवाल देखेंगे 187 संबंधे 11, दूसरा ऑप्शन 194 संबंधे 12, तीसरा ऑप्शन 195 संबंधे 13, 195 संबंधे 13, और चौथा ऑप्शन है मित्र 224 संबंधे 14, 224 संबंधे 14।
अब आप व्हाइट बोर्ड पर आराम से देखेंगे बाबू, देखिए 11 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए 11 कम 11, 11 साथे कट जाएगा, इधर देखिए 13 से ये कटेगा कि नहीं, देखिए 13 कम 13, 13 पाचे कट जाएगा, 14 से देखिए 14 कम 14, 8 बचेगा, 14 छक 84 कट जाएगा, अब इधर देखिए 12 एकम 12, 7 बचेगा, 74 हो जाएगा, पर छक 74, यही आंसर आ जाएगा, क्योंकि 72 होता है ना, नहीं कटेगा। अगला बाबू लिखेंगे 36,27, दूसरा ऑप्शन 23,14, तीसरा ऑप्शन 82,29, 82,29, चौथा ऑप्शन बाबू 45,18, 45,18, यही है, देखिए क्या है। बयासी 29 वाला सही है, ऐसा क्यों, इधर देख लीजिए, देखिए यदि इन दोनों को जोड़ दे तो देखिए 6 3, इन दोनों को जोड़ दे तो 7 2, इसको जोड़िए 2 3 4 1, देखिए 5 4 9, 8 1 9, इधर देखिए 8 2 और 9 2, सबसे अलग। फिर से किया गया, अगला सवाल लिखेंगे, लिखेंगे बाबू 7-50, दूसरा ऑप्शन 11-122, तीसरा ऑप्शन 15-226 और चौथा ऑप्शन 13-168। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला करेक्ट है, क्यों करेक्ट है मालूम है, देखिए 7 का वर्ग कर, चाहे इधर देखिए 50 में से 1 घटाइए, 49 का वर्गमूल, 122 में से 1 घटाइए, 121 का वर्गमूल, 226 में से 1 घटाइए, 225 का वर्गमूल, 15, 168 में 1 घटाएंगे 167, क्या 167 का वर्गमूल 13 होता है, नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा। अच्छा अगला सवाल लिखेंगे 85,136, 85,136, दूसरा ऑप्शन 63,162, तीसरा ऑप्शन 34,85 और चौथा ऑप्शन है बाबू 102,153, 153 बताना है सबसे। मिलाइए आप अपना, इधर देखिए, इधर बाबू, इधर ये देखिए, ये 17 से कट जाएगा, देखिए 17 5, ये भी कटेगा, 17 9 17 8 136, पहाड़ा याद होगा तब पे होगा, ठीक है, इधर देखिए 17 2 के 34, देखिए 17 5 84, हाँ नहीं ना हो पाएगा, 85 बोले हैं, अच्छा तो 17 5 कट जाएगा, इधर देखिए 17 6 102, 17 9 153, इधर देखिए 17 4 63, यही अलग।
पहाड़ा मेन है। अगला सवाल लिखेंगे 422 माइनस 8, दूसरा ऑप्शन 382 माइनस 18, 382 माइनस 18, चौथा ऑप्शन 718 माइनस 16, और चौथा ऑप्शन है बाबू 318 माइनस 12। यही है देखिए अपना। अब आप इधर देखेंगे, इधर बाबू हम इन तीनों को जोड़ देंगे। इधर देखिए 4 2 6 2 8, सही है। अब इसको जोड़ लीजिएगा, देखें 7 1 8 8 8 16, इसको जोड़ लीजिएगा 3 1 4 8 4 12, लेकिन इसको जोड़ने पर कभी 18 आएगा? नहीं आएगा। तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी वाला सही है। अगला सवाल लिखेंगे लिखेंगे बाबू 64 माइनस 109, दूसरा आपका 36 माइनस 83, तीसरा ऑप्शन 42 माइनस 87, चौथा ऑप्शन 102 माइनस 147, 102 माइनस 147, यही है। चलो बाबू इन दोनों को घटा दीजिए, 45 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। बताइए 9 में से 4 जाएगा तो 5 नहीं होता है, और 10 में से 4 जाएगा 6। इधर देखिए ये इसको दे देगा, देखो 13 में से 6 जाएगा 7, और 7 में से 3 जाएगा 47 आ जाएगा। इधर देखिए 7 में से 2 जाएगा 5, और 8 में से 4 जाएगा 4। तो देखिए 45 45 सेम आने लगा, तो अब अलग क्या है? सबसे अलग यही हो। आप लोग का कितना रहा था पहला? पहला वाला नहीं होगा। सवाल नंबर 28वां, 28 नंबर ना लिखेंगे बाबू। सवाल नंबर कितना? 28 लिखेंगे। हाँ 61 माइनस 12, दूसरा ऑप्शन 25 माइनस 21, तीसरा ऑप्शन 34 माइनस 30, चौथा ऑप्शन 44 माइनस 31, 44 माइनस कितना 31, यही है। कितना? चलिए मिला लीजिएगा मित्र। इधर देखे हेलो, यदि हम सबको जोड़ते हैं तो 10 आएगा। कैसे 10 आएगा? देखिए 6 1 7 1 8 2, इधर देखिए 5 2 7 7 3 10, इधर देखिए 4 3 7 7 3 10, इधर देखिए 4 4 8 8 4 12। तो सबसे अलग 44 माइनस कितना 41, सही रहा। हेडिंग कर लीजिएगा अक्षरों का वर्गीकरण, हेडिंग कर लीजिएगा अक्षरों का वर्गीकरण, अक्षरों का वर्गी